हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में विंटर वीकली स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत सिंपल है और इस ठंड में भी आसानी से आप इसको फॉलो कर पाएंगे और अपनी नॉर्मल सी स्किन को ग्लास स्किन में कन्वर्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जो ये स्किन केयर रूटीन है ये बहुत सिंपल है और इसमें यूज़ होने वाली सारी चीज़ें आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को अपने हेयर्स पर, अपनी स्किन पर, अपने फेस पर अच्छी तरीके से ऑयल लगाना है, बढ़िया तरीके से ऑयलिंग करनी है और आपको जो ये स्किन केयर रूटीन है वो नहाने के 15 मिनट पहले फॉलो करना है और आपको अपने हेयर्स पर भी अच्छी तरीके से ऑयलिंग करनी है। पूरा हेयर के रूट से लगा के हेयर की लेंथ पर ऑयल लगाना है और अगर आप ये ऑयलिंग एक दिन पहले नाइट में कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आप एक दिन पहले ऑयलिंग नहीं कर पाते हैं तो आप जस्ट उसी दिन अपने हेयर्स पर अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने हेयर पर DIY जो मैजिकल हेयर ऑयल मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ उसी को अपने बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये हेयर ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पेज पर जाकर इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और वीडियो को वॉच करने के साथ आप इसको बना भी सकते हैं, इसको ट्राई भी कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने रिजल्ट्स को, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपको अपनी पूरी बॉडी के साथ साथ फेस पर भी अच्छे से ऑयलिंग करनी है। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मिक्स करके उसको अपने पूरे बॉडी पर और फेस पर लगाया है। आप यहाँ पर ओनली कोकोनट ऑयल को भी लगा सकते हैं क्योंकि जो कोकोनट ऑयल होता है विंटर्स में थोड़ा सा थिक रहता है, स्टिकी रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल को मिक्स कर लिया था। आप यहाँ पर अपना कोई भी मनपसंद ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल को भी मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आपकी अच्छे से हेयर ऑयलिंग, बॉडी ऑयलिंग और फेस ऑयलिंग हो जाए तब हम लोग फुल बॉडी की अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे। तो आइए हम लोग स्क्रब बनाते हैं। इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको 2 चम्मच भर के ब्लैक टी पाउडर या चाय पत्ती का पाउडर लेना है, जो कि आसानी से आपको आपके घर पे मिल जाएगा। आपको सिंपल सा करना ये है कि 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है, उसको मिक्सर जार में डालकर एक फाइन से पाउडर में चेंज कर लेना है, उसको कन्वर्ट कर लेना है, फिर उसी पाउडर को आपको 2 चम्मच भर के जो हमारी चाय पत्ती होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो कि हमारे स्किन से सन टैनिंग को, डेड सेल्स को बहुत ही आसानी से रिमूव करती है और हमारी स्किन को शाइनिंग और हेल्दी बनाती है। 2 स्पून भर के शुगर पाउडर लेंगे, जिसको हम लोग सिंपल से घर पर बना सकते हैं। आप चीनी लीजिए, उसको मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड सा पाउडर बन जाएगा, आप उसके 2 चम्मच भर के ले लीजिए। फ्रेंड्स, जो ये चीनी होती है वो हमारी स्किन से डेड सेल्स को आसानी से रिमूव करती है, हमारी स्किन को हाइड्रेटेड बनाती है, साथ ही साथ हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनी और स्मूथ बनाती है। इसके बाद हम इसमें 1 स्पून भर के कोकोनट ऑयल को ऐड करेंगे, जो कि हमारी स्किन को बहुत बहुत सारा मॉइस्चर प्रदान करेगा। इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और आपको फिर इसमें आप 8 से 10 ड्रॉप लेमन जूस की भी ऐड करना है, और जो विटामिन सी से भरपूर होता है और हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशंस को, डेड सेल्स को आसानी से रिमूव करता है और हमारी स्किन का जो टोन होता है उसको भी लाइटन करता है, मतलब हमारे स्किन का जो कलर होता है उसको भी फेयर करता है। इन सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम एक दूसरा बाउल लेंगे और उसमें इस पेस्ट का 1/3 हिस्सा अलग करके रख लेंगे। अब आप सोचेंगे कि हम लोग ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी और आपको उसको ट्राई भी करना है। जब आप ट्राई करेंगे ना तब आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो फ़ायदे हैं वो आपको फील होंगे। फ्रेंड्स, जिस बाउल में ज़्यादा मिक्सचर है उसमें हम लोग 1 टीस्पून वाइट साल्ट या नमक को ऐड कर देंगे और साथ ही साथ आप हमको यहाँ पर 1/2 नींबू का जूस है वो भी ऐड कर देना है, जिससे ये हमारा एक सिंपल सा, मैजिकल सा, बहुत इफेक्टिव सा बॉडी स्क्रब बनकर रेडी हो जाएगा। और जो हमारा थोड़ा सा पेस्ट रखा था उसको हम लोग एज अ फेस स्क्रब यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने फेस की स्क्रबिंग करते हैं। फेस की स्क्रबिंग करने से पहले आपको वाटर लेना है, उससे अपने फेस को अच्छी तरीके से गीला कर लेना है और गीला करने के बाद आपको एक टॉल की हेल्प से हल्का सा इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपको इस फेस स्क्रब को अपने फेस पर अच्छी तरीके से अप्लाई करना है और आपको जो स्क्रबिंग है बहुत सॉफ्ट हैंड से करनी है, जेंटली आपको स्क्रबिंग करनी है, सर्कुलर मोशन पर बिल्कुल स्लो स्लो करनी है। अगर आप
बहुत तेज तेज स्क्रबिंग करेंगे तो आपकी स्किन पर जो नेचुरल ऑयल होगा वो भी रिमूव हो जाएगा, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी और बेजान सी दिखने लगेगी। सो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल स्लो स्लो मोशन में बहुत अच्छे से हल्के हाथ से स्क्रबिंग करिएगा। फ्रेंड्स, जब हमारे फेस की स्क्रबिंग हो जाए तब हम लोग अपने फेस पर एक फेस पैक अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको 1 स्पून भर के नटमेग पाउडर या जायफल का पाउडर लेना है, फिर उसमें आपको 1 स्पून करके हनी को ऐड करना है, जो कि फूलों का रस होता है और हमारी स्किन को टाइट और ब्राइट बनाता है। इसके बाद आपको इसमें रॉ मिल्क ऐड करना है, जो कि हमारे स्किन के लिए एक नेचुरल क्लींजर का काम करेगा, हमारी स्किन की डेड सेल्स को रिमूव करेगा, हमारी स्किन को एकदम साफ और सुंदर बनाएगा। इन सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि स्क्रब को ल्यूक वार्म वाटर से अपने फेस से क्लीन कर देंगे और उसके बाद हम लोग इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई कर देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक ये हमारा फेस पैक ड्राई होगा तब तक हम लोग अपने बॉडी की अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करेंगे। और जब बॉडी की स्क्रबिंग कर रहे होते हैं तो हमें अपने बॉडी के जो डार्कर पार्ट होते हैं, जैसे इल्बो हो गया, नेक हो गया, और जो हमारी फिंगर टिप्स होती हैं, नेल पेड्स होते हैं, नी होते हैं, हमारी जो एड़ियाँ होती हैं जिनको हम लोग हील्स बोलते हैं, और इन सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से स्क्रबिंग करेंगे, क्योंकि यहीं पर जो डेड सेल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और जब हमारी बॉडी की बढ़िया तरीके से स्क्रबिंग हो जाए तब हम क्या करेंगे, जो हमारे बचे हुए नींबू के छिलके थे उससे हम लोग अपने नेल पैड्स को, अपने नेल्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, और साथ ही साथ जो हमारी एल्बो फिंगर्स हो जाएँ उनको हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना कोई भी फेवरेट शॉवर जेल लेना है और फेवरेट शैम्पू लेना है, उससे बढ़िया तरीके से अपने बालों को क्लीन कर लेना है, अपनी बॉडी को क्लीन कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर रोज़ शॉवर जेल को यूज़ करूँगी, जिसको मैं अपने चैनल पर पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पर जाइए और सारे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, उनको वॉच करिए, और वॉच करने के बाद आप डिसीज़न लीजिएगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, आपको हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है कि नहीं बनना है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करें, और वीडियो पसंद आता है तो उनको लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और जो आपको साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। आप अच्छी तरीके से अपने हेयर को वॉश कर लें, अपने फेस को वॉश कर लें, अपनी बॉडी को वॉश कर लें, इसके बाद आपको भर भर के मॉइस्चराइज़र अपनी बॉडी पर लगाना है, अपने फेस पर लगाना, बढ़िया तरीके से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना है, ताकि जो आपका हाइड्रेशन है वो लॉक हो जाए, आपकी स्किन जो है वो 1 वीक के लिए बढ़िया तरीके से साफ और सुंदर दिखाई पड़े। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा जो ये विंटर वीकली स्किन केयर रूटीन है वो कैसा लगा? अगर वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आप लोग इसको लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया से वीडियोज़ बनाती रहूँ। फ्रेंड्स, आप इस विंटर वीकली स्किन केयर रूटीन को एक बार ज़रूर बनाएं, इसको ज़रूर ट्राई करें, इसको फॉलो करें। फॉलो करने के साथ आप अपने एक्सपीरियंस को, सजेशंस को हमारे कमेंट बॉक्स पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू गाइस।